हम लोग अभी तक फूड ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर तो नहीं बोल सकते, पर जो फूड चैनल चलाते हैं उन्हीं की सारी चीज़ें, भाई को बहुत कीड़ा है देखने का, हमारे बड़े भैया को वही सब देखते। तो आज पाव भाजी बनाई गई है, पाव भाजी में क्या है लाल लाल भाई, ऐसा अभी तक तो बहुत मस्ती चल रही थी गुजराती में, पर अभी हिंदी ब्लॉगिंग में ऐसा जमेगा नहीं है, तो बहुत मज़ा आया। पर अभी मिलेंगे सब, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए आलू का वो डालेंगे पेस्ट। अरे भाई इतना खा लेगा पाव भाजी, तने गति सोची ना होगी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग 135। कल का ब्लॉग देखे होगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा संडे एकदम मस्त थड़कता फड़कता गया था, थोड़ा ऐसा अजीबोगरीब भी गया था। अभी बजे गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि बजे मैंने ब्लॉग लेट शुरू किया, अपना क्या है कभी भी शुरू करते हैं। एंड सबकी खुशी कैसे होता है ना, पता है किसी किसी को खुशी मिलती है कि ये मैंने पुराने ब्लॉग्स में बोला था कि चॉकलेट खाओ, कुछ टेंशन है तो कुछ खाने पीने में ध्यान दो, बाहर घूमने चले जाओ, किसी पर फेवरेट पर्सन से बात कर लो तो अच्छा लगने लगेगा। तो अपना कैसा है, मेरे को बचपन से मतलब एकदम छोटा था तब से मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 2 रुपये की है भाई, पार्ले की, नॉट स्पॉन्सर्ड है भाई, इतने में क्या स्पॉन्सर, फ्यूचर में देखोगे तो हो सकता है कि भाई अपने पास हो ऐसा स्पॉन्सर, अभी तो कुछ नहीं, पर 2 रुपये की भाई ये जन्नत लगती है, मैं बचपन से खाता हूँ, अपन जब से इतू ज़्यादा। एंड आज बहुत सारी बातें हुई, बचपन बता रही थी अभी मतलब हमारी मतलब बचपन की, जब हम नए नए मुंबई में आए थे, नए तो नहीं बोल सकते पर ज़्यादा गरीब भी नहीं बोल सकते, बट क्या बोलते सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, अभी इतना नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था, तभी की बहुत सारी बातें हुई, इमोशनल बातें, फिर बात घुमाई मम्मी की, वहाँ पे गांव में किसी की डेथ हो गई। और मुझे ये भी पूछना था, कमेंट डाउन करना, अभी तो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे पर फ्यूचर में तुम देखोगे तभी की बात करूँ कि यहाँ पर अच्छा है कि गाँव में अच्छा है। गाँव में देखो तुम्हें अभी फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि गाँव भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुके हैं। गाँव में रहना चाहिए कि यहाँ पर रहना चाहिए, तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे घर में सभी बोलते हैं कि मम्मी और पापा तो वो तो गाँव के बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से सिटी है ऐसे, क्योंकि मतलब ऐसे डिस्टेंस में रहो जहाँ पे तुम्हारा गाँव और वो भी नज़दीक हो और तुम रहते हो सिटी में, इन द सेंस के 30-40 किलोमीटर का ही फ़र्क हो वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि जब भी मनो गाँव जा सको और सिटी में रहोगे तो कनेक्शन भी ज़्यादा रहेगा, लिमिटेड ऑडियंस नहीं मिलता, गाँव में लिमिटेड लोग रहते हैं और सबका लिमिटेड रहता है, और सिटी में तुम क्या कहीं ना कहीं भटकते रहोगे, कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, गाँव में क्या बोलते ना कांस्टेंट जगह पर रहोगे तो कांस्टेंट सोच हो जाती है, तो वैसा, तो ऐसे जितना अलग अलग जगह पर जाओगे, जैसे लोग बोलते ना बचपन से कुछ नया करते जाओ, रुकना नहीं। सो वो मेरे ख्याल से गाँव में रुक जाता है, क्योंकि गाँव में लिमिटेड चीज़ें होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, मतलब अल्टीमेट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तुम तो अगर सिटी में, जो सिटी वाले जो शहरों में रहते हैं वो ब्लॉग देख ले तो वो तो पक्का जानते होगे, गांव में जाओगे मज़ा बहुत आएगा, पर 1-2 महीने जैसे जैसे पुराने होते जाओगे वहाँ से दग होने लगेगा, फिर ऐसा लगेगा नहीं भाई शहर बेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वहाँ पे। तुम रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस लड़कियों के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते होंगे, पर लड़कों के लिए भी होते ही कि भाई हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, सो यू गॉट द पॉइंट यार। और भाई कल का व्लॉग मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, कल देख लेना, ऐसा ये व्लॉग खत्म होगा तो ऐसा 134 व्लॉग मजा आएगा। यहीं पे मेरे को ऐसा आदत हो गई, एक सब कैमरा खुला धड़ाधड़ आदत खराब है, क्योंकि व्लॉग इसी में लंबा बन जाता है मेरा, पर अभी बाहर नहीं जा रहे कहीं तो सेल हो और सब्सक्राइबर्स, अभी फ्यूचर में तो ये सब यादें होगी, पर तभी बड़े हो गए बहुत ज़्यादा, एकदम 1 साल खत्म हो गया होगा और समझो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे, 100 के ऊपर चले गए होंगे, तो भाई फैमिली वालों को रिवील करेंगे, बहुत मज़ा आएगा ऐसा, और कंटेंट के बाहर ला देंगे, तब बहुत सारे फ्रेंड्स को लाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे, तब तो घर वालों का भी चेहरा रिवील हो चुका, उनके साथ मस्ती करेंगे, गुजराती मदर टंग है और सब हिंदी बोलेंगे, कैसा लगेगा, फुल मज़ा है। सो देखे फ्यूचर में, फ्यूचर का देखेंगे, सब अच्छा हो तो अच्छा है, अच्छा ही होगा भाई, हमने किसका बिगाड़ा है। मतलब जब से वैक्सीन लगाई है ना तब से बुरा हाल है एकदम पूरा, मतलब बॉडी ये दे, फैन चालू रखो 2 सेकंड के लिए बंद कर दो तो भी, चालू रखो तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और आज तो भाई खाने में ऐसा था कि हम लोग ने वेजिटेबल्स देने गए थे तो वहाँ पे गोभी ज़्यादा थे, गोभी को क्या बोलते पता नहीं मुझे अभी, तो भाई आज तो वो उसी की सब्ज़ी, उसी का सलाद, उसी का सब कुछ बनाया गया था, तो परेशान, अभी गोभी को क्या बोलते, लेट मी, अभी गोभी को क्या बोलते, गोभी बोलते होगी रुक जाओ इसको भाई, हाँ ये वाली, ये वाली, ये वाली।
पहले कोबी इसको क्या बोलते हैं, इसी का सब्जी, इसी का सलाद, सब कुछ इसी का था। सो भाई खा खा के परेशान हो गए, और थोड़ा मेरा एंगल थोड़ा बुरा हो सकता है क्योंकि मुझे अभी फर्स्ट टाइम मैं बैक कैमरा से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना दोपहर में सोए हम, मतलब आज सुबह से मैं और मम्मी 12-1 बजे से बातें किए जा रहे और तो सोए ही नहीं है। दोपहर में ऑलरेडी सो जाते हैं ना, तुम्हें भी पता है ना, अभी अचानक से भाई मौसम ने ऐसा रुख बदला है, गर्मी से सीधा ठंडे मौसम और फुल बारिश आना शुरू हो गई है। गजब भाई, इंदिरा देव का भी कमाल है। मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो 3-4 हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा भयंकर गिर रही है बारिश। इसलिए बारिश नहीं, धूप गर्मी इसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश का आना भी स्वाभाविक है। अच्छा हुआ मैं अपने दोस्त को मिलने जाने वाला था, अभी दोस्त का व्लॉग भी आने वाला है। अपना पुराना दोस्त है, बहुत पुराना और एकदम कड़क, जिसका मतलब विचित्र इंसान बट भला इंसान, वैसा वाला, वो व्लॉग जल्दी आ जाएगा, उसको मिलेंगे। फिलहाल तो बहुत कुछ काम निपटाने, काम में कुछ नहीं है, खाली यूट्यूब देखते रहता हूँ बस, वैसे यही काम है। बहुत सारे काम फ्यूचर में ज़रूर बताएंगे, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, माफ़ी चाहते हैं। जो काम मम्मी 12:30-1 बजे तक ख़त्म कर लेती है, वो सोच लो 5 बजने को आया, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि सुबह से हम लोग बातें कर रहे थे, फिर पापा आए, पापा के साथ बातें की, पापा जल्दी चले गए आज बहुत जल्दी 3 बजे, एंड अभी काम ख़त्म होने ही वाला था, हम लोग बैठने ही वाले थे कि चलो काम ख़त्म। भाई क्या ठंडी हवा आ रही, एकदम मस्त। ओहो, वाह 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 वाह, ओहो हो, पूरा का पूरा ब्लॉग ऐसे वाइट बैकग्राउंड में ही जा रहा है पूरा पूरा, बट क्या कड़क बारिश गिर रही है भाई साहब। वो ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस के आवाज़ से मुझे पता नहीं चलता, बट ऐसी बारिश ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में या 15 दिनों में हो ही जा रही, बहुत ही ज़्यादा भाई, और आती हूँ ऑफिस के, ऑफिस में जब रहता हूँ उसका आवाज़ कैसे आता है, पावर लूम और मशीन्स का आते हैं ना, उसके वजह से मेरे को पता नहीं चलता भाई। सच में ये तो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है, पर बहुत भाई बड़ा रुम ग्रैम कोई बिजली का आया कि